हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने भुट्टे को अच्छे से पीस के रख दिया है, फिर आलू बॉईल करके रख दिया है, और मैंने चुकंदर, गाजर और शिमला मिर्च को कद्दूकस करके प्लेट में रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, और मैंने खूब सारी हरी मिर्च भी काटी है, 5-6। अब मैं एक ऑयल एम्बे क्वीन लूँगी, उसमें मैं ऑयल गर्म करूँगी कम से कम, उसमें फिर राई और सौंफ का तड़का दूंगी। फिर मैं दूसरी तैयारी करने लूँगी, फिर मैं इसमें लहसुन और हरे मिर्ची और उसके को गोल्डन ब्राउन होने पर हल्दी, हल्का सा लाल कस्तूरी लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला और जितनी भी सब्जियां मैंने कद्दूकस की थी उसको मैं कट डाल दूंगी, और मैं भुट्टे को भी इसके अंदर डाल के अच्छे से, और जो मैंने आलू ऑयल किया था उसके अंदर थोड़ा सा शक्कर डाल दूंगी। अब मैं ब्रेड ली हूँ, अब कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मैं ब्राउन ब्रेड ली हूँ, इसको मैं तोड़ दूंगी। देखिए, मैंने जो आलू बॉईल किया था उसको भी इसके अंदर डाल दिया है, और एक नींबू कट करके डाल दूंगी इसका रस। हम चुकंदर का कबाब बनाने जा रहे हैं गाइस। अब मैं ब्रेड को जार में पीसूंगी, पानी नहीं डालूंगी, इसको मैं दरदरा इस तरीके से कर दूंगी। फिर मैं एक नॉनस्टिक तवा लूंगी, उसमें मैं ऑयल लगाऊंगी, इसको मैं इस तरीके से कबाब का शेप देके और ब्रेड को चारों तरफ से मैं इसका करके मैं तवे के ऊपर रखती जाऊंगी। देखिए, हमारा लाल कबाब बनके रेडी हो गया गाइस। देखिए, अब मैं इसे सर्व करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वेलकम आई बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। मेरा लाल कबाब बनके रेडी हो गया।